मुख चंद बदल शानी मथे चमक दी लाट काली जुल्फ ते अख बस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमू रखी है मद में। आज अगर हम अपने घर में बैठ के अपनी मस्जिद में बैठ के हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी का शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह की रहमतों से बाइद नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से कहे देखो सदियां बीत गई ये आज भी शुक्राना अदा कर रहे हैं और ये बात मेरी और आपकी बख्शिश की जमानत करा पाए। तो हुजूर की सूरत में जो इनाम हुआ हजरत एहसान बिन साबित अक्सर कहा करते थे मन्ना अलैना रब्बुना बासफीना मुहम्मद हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिया। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते रहे हक़े शुक्र करते रहे सारी जिंदगी उनके गीत गाए। मैं एक रात के मीलाद का सिर्फ कायल नहीं हूँ एक रात मीलाद कर लो और पूरा साल छुट्टी सारी जिंदगी हुजूर का नाम चलो सारी जिंदगी हुजूर पे दरूद पढ़ो लम्हा लम्हा हुजूर के जिक्र का चरागर करो। सिर्फ अपने घरों और अपने बाजारों में झंडियां ही ना लगाओ बल्कि दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। सिर्फ मंडेरों पे चरागाह ही ना करो बल्कि दिल की अंधेर गलियों में भी हुजूर के नाम का चरागाह करो। हुजूर पे दरूद पढ़ो हुजूर का जिक्र करो अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर के कसीदे सुनाओ हुजूर की शाने सुनाओ हुजूर की सीरत बताओ उन्हें अपने घर के माहौल के अंदर अपनी मस्जिद में अपनी गली में अपने दोस्तों में हुजूर का जिक्र करो। दोस्तों आपस में बैठो तो कहो यार अल्लाह का कितना करम हो गया कि अल्लाह ने हमें हुजूर अता किया। दोस्तों में बैठे जब यूं बात करोगे तो अल्लाह की रहमतें किस कदर तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। अपनी अकीदतों का इजहार करो वहां कमियत नहीं देखी जाती वहां कैफियत देखी जाती वहां मिकदार नहीं देखी जाती वहां मयार देखा जाता वो चेहरा और चेहरे का तिल नहीं देखते वो बंदे का दिल देखते वो देखते कौन किस खुलूस के साथ मोहब्बत लेकर के आया है। यार चेहरा तो चमकदार था इसीलिए अबू लहब कहते हैं शोले कितना चमकदार लेकिन काले रंग वाला ऊंट बोले लेकिन काबे की छत पे खड़ा अजान दे रहा है वो अकीदतों के रंग और मोहब्बतों के रंग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जब कोई पेश करता है तो गायका हो जाता है। ये वफादारों का दर है यहाँ पे वफाई का तसव्वुर वो हाथ पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है इसलिए उनसे मोहब्बत का रब्त कायम कीजिए अपनी औलादों को हुजूर का प्यार सिखाइए अपने घरों में मीलाद कीजिए। लाजम नहीं है किसी आलम दीन को बुलाओ आप अपने घरों में हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़िएगा बच्चों को बिठाइएगा और हुजूर की सीरत का कोई वाक्य आप अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर की सीरत हुजूर का नक्शा बताए शमाइल और कोई सहाबी मिलता तो ताबईन जमा हो जाया करते थे और उसे पूछते थे अच्छा बताओ हुजूर की सूरत कैसी थी जुल्फे कैसी यही मिलाद है ना। मिलाद में हुजूर के फजाइल का जिक्र होता है शमाइल का जिक्र होता है खसाइल का जिक्र और मौसम हज का है। एक ऊंचे टीले पे हजरत सैयदना अबू तुफैल चढ़ गए ये आखिरी सहाबी है उसके बाद कोई सहाबी नहीं है हुजूर के विसाल के 100 साल बाद तो कहा लोगों आओ इस वक्त दुए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसकी हुजूर को देखा आओ मुझसे हुजूर की बातें सुनो। लोग जमा हो गए और कहा सिर्फ लगा रसूल तुमने हुजूर को देखा है तो बताओ हुजूर कैसे हजरत अबू तुफैल 3 लफ्जों में हुजूर को बोला गया और तीसरा मुकस्सद हुजूर मुतवाज़ि थे ना कद लंबा ना कद पस्त सवा सदर बल बतन सीना और पेट लैसा बिल्तवील अल-मुबग्गत वला बिल्कसीर अल-मुतरद्दद ना पस्त के अजीब दिखाई दे ना इतने लंबे के अजीब लगे बल्कि दरमियाना का लेकिन ईसा जामा अल-कौम आमरा हूं सुन लो हुजूर का कद तो दरमियाना था लेकिन जब लोगों के दरमियान चलते हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते।
ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨ।